Hey guys, welcome back. I hope आपने हमारा बेबी शावर वाला वीडियो देखा होगा. अच्छा लगा होगा आप लोग को. हमने थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रेलर भी एक डाला था और फिर मेन जो वीडियो है उसमें पूरा पूजा और फिर जो मॉडर्न वाला बेबी शावर. तो आई होप अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज ऊपर क्लिक कीजिए और फिर वो वीडियो को देखिए. तो एनीवेज आज हम लोग का हॉस्पिटल विजिट था. मेरा जो थर्ड ट्राइमेस्टर का ग्रोथ स्कैन होता है वो वाला स्कैन था, अल्ट्रासाउंड, और सब ठीक है ऑलमोस्ट. लेकिन वही स्कैन जो करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो वो डॉक्टर बोले कि बेबी इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. सो क्या 1.9 केजी का ऑलरेडी एज पर द रिपोर्ट. सो डॉक्टर फिर गायनोकोलॉजिस्ट को भी दिखाई तो वो भी बोले कि तुम शुगर ज़्यादा ले रही हो क्या, ज़्यादा खा रही हो. नाउ इट्स द टाइम टू डू एक्सरसाइजेस. सो यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 14 केजीज. सो बहुत मेरे को सुनाया डाटा. एंड अभी यही है कि ये 2 महीना में बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं और मुझे नहीं करना है. बोले कि ओनली 3 केजीज यू कैन पुट ऑन मैक्स अभी. तो ये है, तो मेरे को नो शुगर्स, नो आइसक्रीम, नो केक्स. जितना भी हम लोग ने बेबी शावर में मिठाई मिला था मुझे और जो केक हम लोग ने ऑर्डर किया था वो भी घर वापस थोड़ा बहुत बच गया था तो सब खा ली थी. खीर बनी थी वो सब भी रात रात को बैठ बैठ के खाई थी खूब. सो ये सब अभी बंद है आज से. और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोला है. अब डॉक्टर बोले कि तुम एक्सरसाइज करो, जिम जाओ. आई डू नॉट केयर, तुम जाओ अभी अपना थोड़ा सा बॉडी को थकाओ ताकि तुमको अच्छे से नींद भी आए. सो यही सब है. तो मनीष बोल रहे हैं कि साथ देंगे मेरे को, क्योंकि मनीष भी 95 kg, मैं 92 kg. तो मैं 3 किलो गेन करूँगी और इनको 3 किलो कम करना है. सो दैट इज़ द चैलेंज. सो लेट्स सी 1 month में होता है कि नहीं होता है. वैसे इस पैंडेमिक में बहुत गेन किया वेट मैंने, मतलब 85 से अभी 95, 10 किलो ऊपर चल रहा हूँ मैं. 85 भी एक तरह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि एज पर माई हाइट इट शुड बी 78 और इनका तो बाप रे बाप, ये कहाँ 78 से सीधा 92, वो भी इसी 6-7 महीने में. इनका बहुत ज़्यादा हो गया है. तो मैं इसको ही बोल रहा हूँ कि सुबह सुबह उठो, धूप में चलो, सुबह चलो, शाम को चलो, ताकि सुबह की विटामिन डी भी मिले. मेंटेन करने को बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि इनको जो भी वेट गेन करना था 7th or 8th or 9th month में इन्होंने अभी से ही कर लिया, पहले ही कर लिया. तो अभी इनको मेंटेन करना है और शुगर्स भी इसके बोल रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है ज़्यादा है और वो सारा बेबी को जा रहा है, क्योंकि वी वॉन्ट अ बिग बेबी, टॉल बेबी, बट वी डू नॉट वॉन्ट अ फैट बेबी. क्योंकि क्या होता है, मोटा अगर हो गया तो फैट डिपॉजिट हो जाएगा और फिर वो डिलीवरी के टाइम में भी प्रॉब्लम आता है और बाद में पोस्ट डिलीवरी भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं. सो मैं एक चबी बहुत हूँ, इतना भर रखा है, दूसरा नहीं चाहिए. एनीवेज मैं इसको बोला चलो विल गो फॉर अ वॉक, तुम भी लूज करो हम भी लूज करते हैं. नहीं, मैं लूज नहीं करूंगी. मैं मेरे को 3 kg और एक्स्ट्रा अलाउड है. तुम्हें तुम्हें 5-6 kg घटाना है. चलो तुम वो ठीक है, पहले तुम मेंटेन करो, तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है. मेरा चलेगा, मैं तो बाद में भी कर लूंगा क्योंकि जैसे बाद में नहीं होता. देखो मेरा ट्रैवलिंग जब शुरू हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली वेट आ जाता है 90 के अराउंड में आराम से. ये जो 5 kg एक्स्ट्रा जो भर गया है, यहाँ पर टमाटर बोल लो या लॉलीपॉप चिपके हुए हैं या चिकन चिपके हुए हैं, ये देखिए ना, ये हंसते हुए ये चिपक जाते हैं, तो ये सब जो है मुझे निकालने पड़ेंगे. तो ये 5 kg कम में अपने आप निकल जाता है. और ये वेट की नहीं के वजह से भाई, आपने रील देखा होगा, हाँ कहीं पराठा सब्जी, कहीं मटन बन रहा है, कहीं चिकन बन रहा है, ऑब्वियसली हो गया इतना तेल मसाला एंड ऑल दोस थिंग. अरे तो वो हम खाए ना, तुम काहे खा रही हो? क्यों तो मगर मेरे को नहीं खाना है तो तुम भी मत खाओ. सो एनीवेज तो आज अभी घर जा रहे हैं और कल से स्टार्ट करेंगे अपना रूटीन स्ट्रिक्टली. लेट्स सी कितना दिन फॉलो कर सकते हैं और आपको वीडियो में अपडेट मिलता रहेगा. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. सो आज से हम लोग का रूटीन स्टार्ट है वॉकिंग का. तो मैं मनीष को लेके आई हूँ ज़बरदस्ती कि चलो चलो चलो. शुगर्स मेरा 96 निकला फास्टिंग, तो चलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा. 2 महीना स्ट्रिक्ट बर्न कोखा पूरा. कटहल का सीजन अभी है क्या? होगा, लेकिन ये छोटा वाला कितना अच्छा लग रहा है. हाँ, एक ले चले क्या? छोटा छोटा चलो पहले वॉकिंग करो. चिड़िया चहक रही है, बढ़िया, कितना अच्छा लगा. इधर तो हम लोग आए नहीं, इतना फूल वूल कितने बढ़िया मस्त है.
आज दूध नहीं आया तो दूध ले लेते हैं। मटर आया, मटर ले ले। हाँ मटर ले लो। 79 मटर किलो। हाँ ले लो ले लो, मटर ले लो। पुदीना चाहिए, पालक है, ऑरेंजेस दे लो, अच्छे दिख रहे हैं। आज एक डायबिटिक स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू यूज ओटेंगा। तो ओटेंगा इज नथिंग बट एलिफेंट एप्पल। तो एलिफेंट एप्पल हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही अवेलेबल रहता है, रेडीली अवेलेबल रहता है, और एलिफेंट्स को बहुत पसंद आते हैं, तो इसीलिए उसका नाम है एलिफेंट एप्पल। तो मेरे जो भैया आए थे असम, तो उन्होंने 2 एलिफेंट एप्पल लेके आए थे, तो आज उसका फिश टेंगा बनाएंगे। ये थोड़ा सा खट्टा होता है खाने में, तो इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, और बहुत सारी बेनिफिट्स है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं प्रिपरेशन करती हूँ डिश बनाने का, और मनीष को भेजती हूँ मार्केट फिश लाने के लिए। सो निकल पड़े हैं, लेकिन भीड़ देखिए इतनी ज्यादा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों अभी कमनहली में बहुत भीड़ होने लगा है। ये कमनहली है ना, जहाँ पर हमारा मिनी लाल बाग है। सो लुक्स लाइक ये रोड एक्सपैंड कर रहे हैं, वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से भीड़ होना बहुत ज्यादा हो गई है। ये कल का फ्यूचर रोड है, बढ़िया हो जाएगा इधर। थैंक यू। ये लो मैडम, आराम से पियो, जब तक वेट करो। फ्रेश ऑरेंज है, थोड़ा सा नींबू डलवा दिया है। हाँ। कोई सॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। क्या हुआ, खट्टा मजा आया? भैया शुगर तुम्हारा बढ़ा हुआ है, तुम्हें रेगुलेट करना है अच्छे से। मीठा बिल्कुल बंद है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डलवाया खट्टा। पियो, धीरे धीरे पियो, आराम से। एसी चला लो, गाड़ी को लॉक करो, कोई भी आए खोलना नहीं है, फोन करो मेरे को, कोई दिक्कत हो। ठीक है। सो ये है हमारा फिश वाला अड्डा, फिश वर्ल्ड हाउस ऑफ स्पिरिट्स के बगल में। यहाँ पर फ्रेश फिश आती है सैटरडे संडे। आया क्या कुछ बढ़िया? आया है ये सुता आ रही है भैया, आ रही है ना फ्रेश, बड़ा फिश है। देखो स्टिंगरे, ओ माय गॉड, ये सही ना है स्टिंगरे, स्टिंगरे इसके पीछे स्टिंग होता है ना, ये तोड़ रखा होगा इन्होंने। ये सारे सामान सी सी फिश है, ये फ्रेश फिश है। कलरफुल निकालो, जिसका पूरा अलग अलग कलर दिखे। सो फिश लेने आए थे, चिकन भी ले लिया, ऐसा बढ़िया। से देखिए हमारे सब्सक्राइबर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव। राजीव है, राजीव, नाइस टू मीट यू। देख के मैं भी फॉलो किया, मैं भी बाय रोड कानपुर गया। ओह नाइस, आप कानपुर से हैं? हां कानपुर से। चलिए सी यू। सो फिश ले लिया है, अब इसको मम्मी को हैंड ओवर कर देंगे और मम्मी बनाएगी मासूर टेंगा। बहुत सब्सक्राइबर्स ने हम लोग को बोला कि फिश टेंगा सिखाइए, तो वो मम्मी के चैनल पे अंजू बड़ा पाकघर में हम लोग डालेंगे, तो अगर आपको रेसिपी जानना है तो वहाँ फॉलो कीजिए। और अभी घर वापस जा रहे हैं, मनीष ने अपना रात का इंतज़ाम भी कर लिया है। वैसे मटन मिला नहीं, तो देसी चिकन ही जिंदाबाद, तो देसी चिकन है। सब लोग तो घूमने गए हैं, हम लोग कहीं घूमने जा नहीं पाए। एक बार को सोचा, लेकिन फिर पेट फ्रेंडली होटल नहीं मिला, क्योंकि पिक्सी जो को फिर घर में कौन देखता क्या करता, सो दिक्कत है बड़ी। वैसे पल्लवी को तो जैसा हमने बताया पहले कि पल्लवी को अभी डॉक्टर ने बोला घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो जिंदगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हिलाना है। 7 महीने इंजेक्शन के साथ पूरा घर में बैठे थे, अभी इसका थोड़ा सा बेबी को फूड बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि शुगर से ज्यादा खा रही है, तभी इसको टहलना वॉक करना ताकि सारा शुगर रेगुलेट हो एंड शी शुड बी गुड। तो वही प्लान किया था कि चलो चेन्नई निकल लेते हैं, थोड़ा बीच देख के आते हैं, फिर एक बार को अपना जो है ना दिल ये बोले, मन बोल रहा है नहीं यार अभी कोई रिस्क मत लो, थोड़ा बहुत ही घुमाओ फिरो, बाद में देखा जाएगा। तो आ गए थे, मटन अभी इतना लेट हो गया, इस समय 12:55 हो रहा है, इस समय बढ़िया मटन मिलता नहीं, तो इसलिए हमने कहा चलो चिकन ही ले लेते हैं, देखा जाएगा रात को बनाएंगे। उसका अगर रेसिपी आपको जानना है कि कैसे बनाते हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, हमने पहले भी बनाया हुआ है, तो वहाँ देख सकते हैं। लड़की कहाँ थी भाई, तुम कहाँ थी इतनी देर से?
सो ये मेरा हो गया आज का लंच और रात को मस्त मूला खा और गंदगी फैलाओ। नहीं हमारे में ऐसा नहीं होता। सो क्या मस्त धूप निकली है आज एक हफ्ते बाद, और यहाँ पर क्या प्लांट्स हरे हरे कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे सारे प्लांट्स। सो आज तो आपको दिखाते हैं एलिफेंट एप्पल होता कैसा है। ये देखिए एक मेरा एलिफेंट आ गया बाहर और और साथ में एलिफेंट एप्पल लेके आया है। वैसे आपको बता दें कि एलिफेंट एप्पल जो है एलिफेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसको इसका नाम भी है एलिफेंट एप्पल, और इसको असम में ओ टिंगा बोलते हैं, एंड विच इज़ लाइक टिंगा मीन्स खट्टा और ओ मीन्स उसका नाम होगा तो ओ टिंगा। और इसके अंदर आप देखो मतलब ऊपर से हार्ड शेल है ये देखिए है ना, और मृदुल आया था जो पल्लवी का ब्रदर है वो असम से लेके आया। ये जो ओ टेंगा है ये असम में बहुत ग्रो होता है, जो मॉइस्चर वाले जो वो है फॉरेस्ट में उसमें ज़्यादा होते हैं, और इवन इन थाईलैंड वगैरह में भी ज़्यादा होते हैं। अब बाकी इंडिया के बाकी पार्ट्स में तो मुझे नहीं दिखता है, लेकिन असम में बहुत मिलता है और ये बहुत रेडिली अवेलेबल है, और ये असमिस किचन में खूब यूज़ होता है और हेल्थ बेनिफिट से भरा हुआ है। इसको लीवर और किडनी टॉनिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये लीवर को साफ़ करता है, किडनी के लिए भी अच्छा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, इवन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इवन एंटी एजिंग का काम करता है, विटामिन ए विटामिन बी खूब सारा इसमें पौष्टिक चीज़ें हैं। सिंस लोगों को इतना पता नहीं है तो बहुत वेस्टेज भी होता है, लेकिन कच्चा जो एलिफेंट एप्पल है उसको हम लोग करीज में यूज़ करते हैं या फिर दाल में डाल देते हैं खट्टापन लाने के लिए, और पक्का वाला कोई कोई पिकल बनाता है और एलिफेंट जो है वो पक्का वाला खाता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलिफेंट एप्पल एंड ओटिंग। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो पूंजू बड़ा पाकर देखिए, उसमें आपको रेसिपी मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ ज़्यादा मसालेदार कुछ नहीं है, ऊपर क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो चेक कीजिए। होप आप लोगों ने अंजू बोरा पाकघर पे जाके देख लिया होगा रेसिपी कैसे बना ये मासोर टेंगा जो है एलिफेंट एप्पल और ओ टेंगा का। और देखिए काफी टेंगा है रे, मजा आ रहा है। इसमें पल्प है टेंगा। मृदुल अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मृदुल तो खाते ही रहता है। सुबिया ये बढ़िया चावल के साथ दाल और साथ में फिश। और इसमें न लहसुन है न अदरक है न प्याज है और न मसाले हैं। तो मनीष इज लाइक बिना मसाले के फिश। नहीं नहीं खाया तो बड़ा अच्छा लगा। जो मंगरेल पड़ी हुई है जो ब्लैक जीरा बोलते हैं उसमें पचफोरन पड़ा है तो बहुत ही अच्छा है। सो मम्मी जी बढ़िया बना टेस्टी। अभी जिनको बनाना है वो लोग आपके चैनल पे जाके देखेगा जरूर, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करेगा। ओके और ये हमारे दो अनमोल रतन नीचे ही बैठे हुए हैं, जैसे ही खाना लगता है ये वेट करते हैं कि जब खाना खाता हूँ फिर हमें मिलेगा। सो पली एंजॉय। मस्त मजेदार। लेकिन हम अपना आइटम भी लाए चिकन, हम वो बनाएंगे। ये हमने खाया बढ़िया, पेट तृप्त हो गया। नहीं पेट में बहुत हल्का जाता है ना ठंडा ठंडा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको मसाला लगेगा अंदर पेट में कुछ, बिल्कुल सादा। ये कुछ बीमारी है ना जो डायबिटीज पेशेंट, हाँ प्रेशर सबके लिए वो रख चाहिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए वैसे Hey guys, good morning. तो कल रात को बहुत खाना पीना हो गया था और मेरा डेली शुगर नाप रही हूँ, इट्स लाइक 90 प्लस, बिलो 100 बट 90 प्लस, सो विच इज़ नॉट गुड। तो अभी मेरे को डाइट में कंट्रोल पूरा, तो मैं अभी राइस कम करूँगी डाइट में और आटे में थोड़ा सा यू नो जो मिलेट्स वगैरह है ग्लूटेन फ्री जो है ग्रेन्स उसको पीस के उसमें आटे में मिलाऊंगी, उसकी रोटी खाऊंगी दो। और शुगर तो पूरा बिल्कुल स्टॉप्ड है, बनाना भी स्टॉप्ड है, और इवन
वो भी ऑरेंजेस भी नहीं खाना चाहिए मेरे को, ऑरेंजेस बोल के ऑरेंजेस खिला रहे हैं, लेकिन मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें ऑरेंजेस भी मना करता है. एप्पल इज गुड पर ऑरेंज इज नॉट गुड. नो यू ईट ऑरेंज. एप्पल बहुत खा लिया ना तुमने स्टार्टिंग में. The apple is good for sugar, but not orange. ठीक है ना? ठीक है, अभी खट्टा खा रहे हैं, ऑरेंज मीठा नहीं. So ये सब है. वॉकिंग कर रही हूँ डेली दो टाइम, मतलब सुबह और फिर शाम को. So मुझे भी लग रहा है मेरा इतना हैवी हो रही हूँ. So पैरों में दर्द, कमर में दर्द, तो ये सब चीज़ें हो रही है. आज भी धूप है तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, अभी 8:30 हो गया है. सो 8:30 हम लोग निकले हैं. ठीक है, सुबह का धूप भी मिल गया. आज गार्डन एरिया चलेंगे. गार्डन एरिया वो उधर. क्या है ये? सपोटा. सपोटा बरगद. कितना अच्छा लग रहा है ना इसका फल. दो राउंड हो गया ना हम लोग का. हाँ दो राउंड हो गया. मैं चलती हूँ फिर बैठती हूँ, मैं चलती हूँ फिर बैठती हूँ. ये गार्डन एरिया अच्छा है. यहीं पर तो हम लोगों ने दिवाली के क्रैकर्स जलाए थे. वो इमली है ना? सब इमली है. तो एग, इडली, डोसा, ब्रेड, दही और बटर. और कुछ? इडली, डोसा और चटनी. ब्रेकफास्ट.